How's it going, guys? It's Divyansh and welcome to another episode of FIFA 21 Ultimate Team. So yaar, aaj finally EA ne Foot Birthday ka promo release kar diya gaya to celebrate the 12 years of Foot with isme hame Team 1 yaar is promo ko bhi pichle promos ki tarah do teamon mein baanta gaya hai, Team 1 aur Team 2. Is Team 1 mein hame is Friday se leke agle Friday tak ka content pe dekhne ko milega. सारी जो टीम वन होगी वो पैक्स में होगी, इससे रिलेटेड SBCs होंगी, थीम्ड ऑब्जेक्टिव्स होंगी और डेली चैलेंज प्लस पजल SBCs भी इसमें हमें देखने को मिलेगी. और एक टीम टू होगी जो हमें अगले फ्राइडे से नेक्स्ट फ्राइडे तक पैक्स में मिलेगी और उससे रिलेटेड कंटेंट देखने को मिलेगा. तो यार सबसे पहले ये वीडियो को यार मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है. इस वीडियो में हम पैक ओपन करेंगे. आई नो बहुत मुश्किल है कि हम कोई भी फुट बर्थडे का कार्ड पैक कर पाएँ, बट होप सो कि मैं लकी हूँ. तो इस वीडियो को यार दो पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे जो पैक्स हैं यार वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. तो इसलिए इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पार्ट वन एंड पार्ट टू. और इसी वीडियो में यार मेरे को जहाँ तक मेरे को रिमाइंड हो रहा है, मैंने अपने आइकन स्वैप्स के जो टोकन्स हैं उसको भी मैंने इसी में रिडीम करा है. उसके लिए मैंने 82x25 प्लेयर्स वाला पैक भी मैं इसी दो वीडियोज़ के अंदर ओपन करूँगा. और हाल ही में जो पार्टी पैक मैंने नहीं कम्प्लीट किया है, बट 85x5 वाला जो पैक है वो भी इसी वीडियो में ओपन होगा और 83x10 प्लेयर्स वाला जो पैक है वो भी इसी वीडियो में ओपन होगा. तो यार सबसे पहले बात करते हैं टीम वन की. तो यार जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे सामने ये टीम वन है और हमारे सामने ये इसकी SBC है. टीम वन में अगर बेस्ट प्लेयर की बात करें तो वो है थियागो सिल्वा. बेस्ट प्लेयर का मेरा मतलब है कि जो हाईएस्ट रेटेड है. 5-star स्किल मूव, 5-star विक फुट. फिर है जेमी वार्डी, लेरॉय साने, इवान पेरिसिच, लुकास मोरा, मेंडी, इनाकी विलियम्स, मारियो हरमोसो, साम्बिया, साइमन एंड ह्वांग ही चैन. और SBCs की बात करें तो ये हमें मिली है पोडोल्स्की की. नेशन जर्मन, आई डोंट नो इफ इज़ फ्रॉम बुंदेसलीगा और जर्मन टू. तो यार ये थी हमारी टीम वन जो फुट बर्थडे में इस बार रिलीज हुई है. अभी बात करते हैं यार कि ये मेरी टीम में कैसे फिट होंगे, कैसे फिट होंगे. उससे पहले यार एक छोटे सा अपडेट और है. आज के दिन यार ऑब्जेक्टिव्स जो हमारा सीज़न है वो भी अपडेट हुआ है और उसी के साथ जो नया सीज़न प्रोग्रेस और नए ऑब्जेक्टिव इसमें आ गए हैं. तो हम देख पा रहे हैं एक तो है फुट बर्थडे डेली SBC प्लस, जिसमें हमें मेरे ख्याल से मैचेस या SBCs कंप्लीट करने होंगे और उसके कुछ हमारे 75 प्लस रेटेड रेयर प्लेयर और एक 35K पैक मिलेगा. और ये एक नया प्लेयर है, दिस इज़ डेफिनेटली फ्रॉम बुंदेसलीगा, हंटलर. फुट बर्थडे हंटलर, ये भी 6 दिन मेरे ख्याल से पूरे एक हफ्ते के लिए इसमें है. अगर बात करें सीज़न प्रोग्रेस की तो इस बार जो स्टोरी लाइन प्लेयर्स हैं वो लेट मी सी, वो है ओके फ्रॉम चाइनीज सुपर लीग. ये कहाँ से है भाई, ये आई थिंक EFL से है. ओके ही इज़ फ्रॉम लेगानोस. और जो तीसरा प्लेयर जो मिड स्टोरी लाइन का है वो है फोसू फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड EFL चैम्पियनशिप. ये थे हमारे मिड स्टोरी लाइन के 3 प्लेयर. और बात करें अगर सेकंड जो एंड स्टोरी लाइन है उसमें हमें एरिक लमेला फ्रॉम टॉटनम हॉटस्पर, ब्रियंड फ्रॉम लीग वन एंड कांद्रेवा फ्रॉम इटालियन SBC, सॉरी इटालियन लीग. तो यार ये थे हमारे, ये था कुछ सीज़न प्रोग्रेस का मेरा छोटा सा ब्रीफ कि यार ये हमारा एक नया अपडेट हुआ है सीज़न में. बात यार वापस आते हैं अपने फुट बर्थडे वाली वीडियो पे. तो सबसे पहले हम अपने स्क्वाड की बात करते हैं कि जो टीम वन है वो मेरे स्क्वाड में कहाँ पर फिट होगी. तो यार जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा स्क्वाड है, यहाँ पर एक मिनट इसको हटाना पड़ेगा और इसको हटाना पड़ेगा. तो यार जैसा कि देख सकते हैं मेरा ये स्क्वाड है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 या 2 मिलियन के आसपास का है. ये बुंदेसलीगा, सीरिया और लीग वन SBC का एक हाइब्रिड है. तो अगर आप अपनी स्क्वाड टीम वन की बात करें तो लेरॉय साने, इवान पेरिसिच, साम्बिया, साइमन एंड ह्वांग ही चैन, मतलब यार टीम वन मेरे मतलब की तो है. अगर इस टीम वन में से मैंने कोई भी पैक किया तो आई थिंक फॉर श्योर मैं उसको अपनी स्टार्टिंग 11 में इंक्लूड कर सकता हूँ. क्योंकि यार थियागो सिल्वा, थियागो लिवरपूल फ्रॉम प्रीमियर लीग, उसका मेरे को लगता है मैं उसको कैसे भी करके अपनी टीम में बिठा सकता हूँ, केमिस्ट्री बिठा सकता हूँ. एंड ऑफकोर्स जेमी वार्डी,
टॉप प्लेयर लुकास मोरा, मेंडी, इनाके विलियम्स टॉप प्लेयर, बट यार मैं अपनी टीम में इनको सेटल नहीं कर सकता। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा जो कॉइन बजट है वो भी हालत खस्ता है थोड़ी, क्योंकि यार ये सारे इसको पैक्स को कलेक्ट करने में सारा कॉइन्स चला गया, सारी SBCs मैंने कंप्लीट करी हैं, लीग SBCs को मैंने क्राफ्ट करा है तो उसमें पैक चला गया। तो यार फाइनली अब अपने हम पैक्स को ओपन करते हैं। आई नो चांसेस बहुत कम है बट लेट्स सी, क्या पता कि यार चांसेस खुल ही जाएँ, एक आधा लक खुल जाए, जस्ट वन फुटबॉल जो प्लेयर और वो अगर पैक ट्रेडेबल हो तो मौज आ जाएगी। तो सबसे पहले यार सस्ते वाले पैक्स ओपन करते हैं, गोल्ड पैक। नो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है गोल्ड पैक से, 5000 इसका आई थिंक इसकी इस पैक की वैल्यू होती है एज एक्सपेक्टेड। स्किप स्किप, अगर वॉकआउट नहीं हुआ तो यार स्किप करेंगे, बो डाउन में कोई मज़ा नहीं है। ओके मैंने यार अपने फुट चैम्पियंस के और डिवीजन रेवल के रिवॉर्ड्स को भी मैंने सेव करा था, मैंने उनको भी ओपन नहीं करा था, मैंने आज के दिन के लिए बचा के रखा था। और नेक्स्ट वीक भी यार मैं ये रिपीट करने वाला हूँ, मैं टीम 2 के लिए भी ऐसे ही इतने ही पैक्स होप करता हूँ कि इतने ही पैक्स मैं क्राफ्ट कर पाऊँ। कुछ नहीं, 1000 यार 40 अप्रॉक्सीमेटली ऑलमोस्ट 40 पैक्स हैं, उसमें एक फुट बर्थडे प्लेयर तो यार पैक होना ही चाहिए। लाइक ये प्लीज़ यार, इतनी बड़ी पनौती तो नहीं है ये मेरा अकाउंट। ओके नेक्स्ट गोल्ड प्लेयर्स पैक, आई थिंक 7.5K पैक, ऑफ कोर्स कुछ नहीं है। तो इन्फॉर्म था कह रही है, एंड इट्स ट्रेडेबल। क्या प्राइस है इसका? 50,000, 43,000। ओके दैट्स लाइक एन वॉकआउट यार, क्योंकि इस समय इन्फॉर्म्स के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ रखे हैं लाइक। तो ये तो यार ये तो काफ़ी अच्छा पैक निकला, थोड़ी तो किस्मत खुली। अगर मेरे से आप मेरा ओपिनियन जो मैं इस फुट बर्थडे की टीम से पैक करना चाहूँगा तो यार फॉर श्योर लेरॉय साने हैं और इवान पेरिसिच हैं, मोर इवान पेरिसिच ज़्यादा, क्योंकि 5-star स्किल मूव्स एंड 5-star वेव फुट, आई मीन लाइक इट वुड बी माई नेमार, ये मेरी टीम के लिए एक नेमार साबित होगा। नेक्स्ट पैक जम्बो प्रीमियम गोल्ड पैक, ये आई थिंक 12-15,000 का गोल्ड फर्स्ट प्राइजेस की, एंड इट्स अ वॉकआउट एंड इट्स एन इनफॉर्म इंग्लिश, ओ इट्स ब्रेंटफोर्ड, बट इट्स डेफिनेटली अ वॉकआउट, नॉट गोइंग टू कंप्लेन यार। मेरे को वो ब्लू लाइट देखनी है फुट बर्थडे वाली, ये नहीं देखना मेरे को, बट ओके पिछले पैक में 43,000, इस पैक में और कुछ खास नहीं मिला, बट ओके इसमें तो मेरे को ये भी उम्मीद नहीं थी। इसका प्राइस कितना है? ओके दैट्स कूल, अप्रॉक्सीमेटली 50,000 पिछले वाले पैक से और 50,000 इस वाले पैक से। बेटे मौज कर दी 100K फ्रॉम 2 पैक्स, दैट्स गुड। बाकी सबको स्टोर करेंगे। अभी तक अगर बात करें 3 पैक्स ओपन करें और हमें 2 वॉकआउट मिले हैं और 100K का प्रॉफिट अभी तक ऊपर का मोटा मोटा। गोल्ड प्लेयर्स पैक आई थिंक 7.5K पैक, कोई उम्मीद नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अगर कुछ भी नहीं होगा तो जो कि नहीं हुआ कोई गम नहीं। इनफॉर्म भी नहीं, गोल्ड रेयर। और जो इस टीम वन फुल बजट टीम वन में आई थिंक द मोस्ट प्लेयर दैट्स गोइंग टू बी यूज्ड इज आई थिंक थियागो सिल्वा यार मैं सही नहीं, थियागो सिल्वा आई थिंक, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ चेल्सी के सेंटर बैक से और इससे, दिस थियागो एंड इवान पेरिसिच फॉर एंड मेंडी ऑल्सो। यार वैसे सारे इतने अच्छे हैं बट मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं थियागो इज गोइंग टू बी यूज मतलब आउटरेजियसली इन मिडफील्ड, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता नहीं है लाइक 5-star स्किल मूव्स एंड 5-star वीक फुट, वॉट इज ही बुलेट। नेक्स्ट पैक है प्राइम गोल्ड प्लेयर्स पैक, तो इससे यार अब पैक्स भारी भरकम होने वाले हैं, तो अब उम्मीद बढ़ा सकते हैं हम।
यार ये क्यों होते हैं, ये पैक्स में क्यों होते हैं, ये इनको पैक्स में होने की ज़रूरत ही क्यों है, समझ नहीं आता मेरे को। अनट्रेडेबल था बट ओके ठीक है, मेरे वैसे भी भारी कमी है इन प्लेयर्स की, सारे जितने भी प्लेयर्स थे जितने भी रेयर प्लेयर्स थे सबको मैंने लीग SBCs में लगा दिया। ओके अनदर प्राइम गोल्ड प्लेयर्स पैक, कुछ खास नहीं हुआ, दो वर्कआउट आए अभी तक, कुछ नहीं है, रहने देंगे फिर वो ही। इन यार एक मेरे को ऐसा लगता है ये बस सी बनाने के लिए पैक्स में है, थोड़ी सी खुशी टायर पर कुछ ढंग का है भी नहीं। और साम्बिया साइमन वांग ही चैन स्मॉल प्राइम गोल्ड प्लेयर्स पैक को ओपन करते हैं, हमने 5 पैक ओपन करे हैं, 2 वर्कआउट मिले, 100K का प्रॉफिट हो गया। सो अभी भी इट्स एन इनफॉर्म शायद से, अभी भी बुरा नहीं जा रही वीडियो, अभी भी हमारी पैक ओपनिंग वीडियो इतनी बुरी नहीं है। एंड इट्स ओके, इट्स नॉट अ इनफॉर्म बट इट्स 83 रेटेड मापुई भी अंदर को और आप चलो ऊपर को। अनदर स्मॉल रेयर गोल्ड प्लेयर्स पैक, कुछ नहीं यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये इनफॉर्म है कि सिंपल स्मॉल रेयर है, रेयर है ऑफकोर्स। ऐसे पैक से यार कुछ ना निकले बुरा नहीं लगता, लेकिन जो आगे आने वाले 50K पैक, 125K पैक, 100K पैक, अगर उनमें से कुछ नहीं निकला फिर तो यार लाइक फिर ईए को बोलना पड़ता है यार कि बड़े हैवी फ्रॉडर हैं यार। ओके सो इट्स अनदर आई थिंक 25K पैक और 20K पैक। इनाकी विलियम्स टॉप टॉप क्लास प्लेयर्स, क्या था यार कुछ था भी है कि मैं ऐसी रहेगा खे, कुछ नहीं था। स्किप स्किप, नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम। आई थिंक ये हमारा 6th पैक था और कितना घटिया पैक है, कितना घटिया पैक। ओ भाई ये हमारा 6th पैक था, अनदर 20K पैक कर दो यार मेहरबानी। पहले 3 पैक में 2 वर्कआउट्स एंड इट्स अ वर्कआउट एंड इट्स नॉट आई थिंक, मेरे को पता नहीं क्या है, सोमर नहीं आए बट ओके इट स्टिल इज अ वर्कआउट, 86 रेटेड सोमर। सो 3 वर्कआउट हो चुके हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 40K प्रॉफिट आउट हो चुका है, तो हमारा जो टोटल जाएगा वो ओके सो एंड इट्स नॉट इवन ट्रेडेबल, अब झटका लग जाएगा बट स्टिल वैल्यू में तो जाएगा यार, ये मोटा मोटा वैल्यू में जाएगा 100+। 3 वर्कआउट्स 130K प्रॉफिट अप टिल नाउ, दैट्स कूल। ओके तो नाउ इट्स अ बिग पैक, 50K पैक, इसमें वर्कआउट चाहिए और इसमें वर्कआउट मिल गया एंड इट्स शायद से इन्फॉर्म नहीं है ये। जर्मन गोलकीपर मैनुअल नॉयर, मेरे को ज़रूरत थी लाइक मैंने इन सारे पैक्स को जिससे मैं लीग SBCs करूँ, मैंने मैनुअल नॉयर को अपने टीम में से सेल कर दिया था, वापस मिल गया एंड इट्स ट्रेडेबल। तो 4 वर्कआउट एंड इट्स अप्रॉक्सीमेटली थिंक 65K, तो 195K प्रॉफिट अब तक का हो चुका है एंड ये सिर्फ, अरे ये मैंने क्या कर दिया, ऊपर भेजना था, और ये सिर्फ वर्कआउट्स की वैल्यूज़ को मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी अगर मैं हर पर कार्ड पे या पर 82-83 पे देखना तो। ओके इज इट वर्कआउट, नो इट्स नॉट अ वर्कआउट, इट्स नथिंग, स्किप करेंगे हम वर्कआउट्स नहीं स्किप करेंगे। तो हमने मेरे ख्याल से 9वां पैक था हमारा, उसमें हमने 4 वर्कआउट्स, नॉट अ बैड, नॉट एक्चुअली बैड, ठीक है भाई। एक दो
तीन चार पाँच छः यार, मेरी स्क्रीन पे जो टीम वन दिख रही है मेरे को लैपटॉप पे अपने, उसमें से छः प्लेयर ऐसे हैं जो मेरी टीम में स्टार्टिंग इलेवन में आ सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर मी एक्चुअली। बट यार इनको मैं पैक करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे पास ना इतने कॉइन्स हैं, और अगर मैं इतने सारे इन प्लेयर्स को मैं 200-300 कॉइन्स जमा भी कर लूँ तो भी यार मैं खरीदूँगा नहीं इनको, फिर से वर्कआउट नहीं है, क्योंकि इस समय अभी अभी प्रोमो आया है, हाइप होगी, प्लेयर्स की जो प्राइसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। एंड आई वुड सजेस्ट यू ऑल्सो, आप इनको अभी लाइक इफ़ यू आर रियली रिच, आप दो में आपके अकाउंट में 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन है तो आप इनको खरीद सकते हैं, बट अदर देन दैट इफ़ यू आर अ लाइक यू नो रोड टू ग्लोरी वाला, अगर आपका अकाउंट है आपने हर चीज़ स्क्रैच से बनाई है, यू डोंट पुट मनी इनटू इट एंड यू जस्ट ट्रेड एंड यू जस्ट प्ले एंड रिवॉर्ड्स से ज़्यादा पैसा है, यू आर जस्ट लाइक अ बजट, आप थोड़ा सोच समझ के प्लानिंग करते हैं, तो द बेस्ट इज डोंट बाय जस्ट राइट नाउ, अभी मत खरीदें, बिकॉज इट्स टू प्राइसी। ये हमारा 11वां पैक था, 10वां पैक था, मैं भूल गया इस चीज़ को। एंड इट्स अ वर्कआउट, इज इट फुट बर्थडे, नो इट्स नॉट फुट बर्थडे, इज इट इन फॉर्म फ्रेंच सेंटर बैक राफेल वरान, यार मेरे को वो दिन, मैं इसलिए खुश हो गया था, मेरे को वो दिन याद आ गया था जब शुरू में फीफा था एंड इट वाज लाइक दिस कार्ड वाज 200K की वैल्यू होती है इसकी, अब तो यार आई थिंक अराउंड ओके स्टिल 70-80 ओके, तो जस्ट 76-75 मान लेते हैं, सो इट्स 270K प्रॉफिट, दैट्स एंड इट्स ट्रेडेबल ऑल्सो, यार ये अच्छा हो रहा है, दिस गुड गुड गुड। फुट बर्थडे अभी तक पैक नहीं किया है, हमने 15 पैक ओपन कर दिए एंड वी हैड 5 वर्कआउट्स फ्रॉम 15 पैक्स। फुट बर्थडे पैक अभी तक नहीं, फुट बर्थडे का अभी तक नहीं पैक किया है मैंने, बट स्टिल प्रॉफिट बहुत सही है। ओके तो इस वीडियो में यार हम अभी 4-5 पैक और ओपन करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के लिए जो धमाकेदार वीडियो होने वाली है उसके लिए हम इस चीज़ को बचा के रखेंगे, क्योंकि उसमें हाई प्रोफाइल फाड़। नाउ इट्स नॉट अ वर्कआउट, सो यार ये यहाँ ऐसा लगता है। ओके यार मैं स्ट्रीम्स देखता हूँ, ऐसे प्लेयर जब पैक होते हैं तो ऐसा लगता है कि पीछे एक बड़ा प्लेयर होगा, प्रोबेबली एक वर्कआउट होगा, एंड सीइंग द पैक इट्स अ मेगा पैक 35K पैक, और ये दिया है इन्होंने मेरे को, ये भी क्यों दिया है भाई, रहने नहीं देते, सिल्वर कार्ड दे देते हैं। हम 3 पैक और ओपन करेंगे और इस वीडियो में हम, अच्छा ये फिर अगले के लिए रखेंगे, हम एक अच्छा सा बड़ा प्लेयर, बड़ा पैक ओपन करते हैं। ये कैसे कहते 82 रेयर प्लेयर्स 25 पैक ओपन करते हैं, और इसमें मेरे को वॉकआउट चाहिए, अगर इसमें वॉकआउट नहीं हुआ तो मेरा धज्जी उड़ जाएंगे मेरी। एंड इट्स अ वॉकआउट, इज इट फुट बर्थडे, एंड इट्स अ फुट बर्थडे, आई थिंक इट्स अ फुट बर्थडे कार्ड, इस मारियो हरमोसो, इतनी खुशी हो रही है बट साइड बाय साइड दुख भी हो रहा है, पहली चीज़ ना तो टीम में फिट होता और ना ही ट्रेडेबल है, बट स्टिल इट्स अ वॉकआउट, और अभी पीछे और भी वॉकआउट हो सकता है, पीछे और भी वॉकआउट हो सकता है, नज़र लग गई किसी की, बट स्टिल यार 82x25 था, बट आई नॉट गोइंग टू कंप्लेन, 87x85 में 84 हैं, कवानी, फर्नांडो गोमेस, लाकाज़ेट, दैट्स गुड, काफ़ी अच्छा पैक है, और लाइक क्यों ना हो यार, वी हैव पैक फुल बर्थडे कार्ड, फाइनली वी हैव पैक द फुल बर्थडे कार्ड इन दिस वीडियो। ओके तो इस वीडियो में यार हमने, इस पैक ओपनिंग वीडियो में हमने अप्रॉक्सीमेटली 17 पैक्स ओपन करें, हमें
सिक्स वर्कआउट्स इंक्लूडिंग वन फोर्थ बर्थडे का आज मिला है, हमारे पास प्रॉफिट ओवरऑल 300K प्रॉफिट हमने कराया है, विच इज़ नॉट एट ऑल बैड। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अभी भी हमारे पास 35K और लास्ट में अगर हम जाएँ तो हमारे पास 1083 रेटेड रेयर प्लेयर्स और 585 रेटेड रेयर प्लेयर्स, और मेरे को अब ये फट रही है अगर इनमें से हर मौसम निकल गया।